भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर जसप्रीत बुमराह की शादी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। खबर है जसप्रीत बुमराह की शादी साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन के साथ होने जा रही है। हालांकि अभी इस शादी का औपचारिक रूप से ऐलान अभी नहीं किया गया है। जसप्रीत और अनुपमा कहां और किस दिन शादी करेंगे इसकी जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आई है। आइए आपको बताते हैं अनुपमा परमेश्वरन आखिर हैं कौन। अनुपमा परमेश्वरन मलयाली सिनेमा का जाना माना नाम है। उन्होंने कुछ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। अनुपमा परमेश्वरन ने साल 2015 में फिल्म प्रेमम से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके हीरो नवीन पॉली थे। फिल्म में अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों और क्रिटिक्स को प्रभावित किया था। इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद अनुपमा ने तेलुगु फिल्मों में कदम रखा और प्रेमम के तेलुगु वर्जन में काम किया। फिल्म कोड़ी से अनुपमा ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके हीरो धनुष थे। अनुपमा ने सुविस हंगल में एक्टर दुलकर सलमान संग और सत्यमनम भवती में एक्टर स्वानंद भी काम किया है। दोनों ही फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 2019 में अनुपमा ने फिल्म नटसार भौमा से कन्नड़ सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। वहीं 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म मन्यारली अशोकन से अपना डिजिटल डेब्यू किया था। इस फिल्म में अनुपमा ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। इन दिनों वह अपनी यूट्यूब शॉर्ट फिल्म फ्रीडम एट मिडनाइट को लेकर चर्चा में है। अवार्ड्स की बात करें तो अनुपमा ने तेलुगु फिल्म प्रेमम में अपने काम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सेकेंड आईफा उत्सव अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2017 में फिल्म AAA के लिए गर्ल नेक्स्ट डोर का जी सिनेमालू अवार्ड मिला था। अनुपमा परमेश्वरन ने केरल के CMS कॉलेज कोट्टयम से कम्युनिकेटिव इंग्लिश की पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने पढ़ाई को एक्टिंग के लिए बीच में ही छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह साउथ सिनेमा के एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन के साथ इसी हफ्ते गोवा में शादी कर सकते हैं। जसप्रीत और अनुपमा की शादी के कयास तब लगने शुरू हुए जब दोनों ने छुट्टी लेने की बात सामने आई। असल में जिस दिन बुमराह की छुट्टी का ऐलान BCCI ने किया था उसके कुछ दिन के अंदर ही अनुपमा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर डालते हुए कैप्शन में लिखा हैप्पी हॉलीडे टू मी। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि दोनों ब्याह रचाने वाले हैं।